स्मृति ईरानी ने कपड़ा मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया है। इस मौके पर ईरानी ने कहा कि कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, उसे मैं निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। कपड़ा मंत्रालय कृषि मंत्रालय के बाद सबसे बड़ा मंत्रालय है। स्मृति ने कहा कि बुनकरों के लिए सरकार सहायता देगी और जिस तरह की भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, अपनी जिम्मेदारी को पूरी सहजता के साथ सार्थक तरीके से इसे पूरी करने की कोशिश करूंगी। मुझे लगता है कि एक साल में देश के सभी स्कूलों में टॉयलेट बनाना सभी राज्यों के साथ अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिशा दी, हमने उन कर्तव्यों का पालन किया। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर व्यापक रूप से हर राज्य से हर गांव से डेलिब्रेशन करके उनके बिंदुओं को सम्मिलित करने का प्रयास भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जो जनता के समक्ष है। मैं इतना ही कहूंगी कि आज मुझसे तथाकथित इतने सवालों पर जवाब मांगे जा रहे हैं तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। व्यक्त करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक ऐसे मंत्रालय में काम करने का मौका दिया है जो एग्रीकल्चर के बाद हमारे देश में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, एक ऐसा सेक्टर जहाँ पर विशेष रूप से महिलाओं को काम करने का मौका मिलता है। मैं जानती हूँ कि मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत कोशिशें हो रही हैं ताकि इंडस्ट्री के साथ हमारी एंगेजमेंट को हम और सशक्त करके राष्ट्र में एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके। साथ ही मुझे इस बात का ज्ञान है कि हमारे जो वीवर्स हैं, जो बुनकर हैं, वो हमारी इस सेक्टर की नींव हैं। बुनकरों को हमारी सरकार की ओर से जितनी सहायता संभवता हम दे पाएंगे वो देंगे। निश्चित रूप से ये भी सत्य है कि स्किल को बढ़ाने की इस सेक्टर में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी कि ना सिर्फ वो लोग जो वर्तमान में सेक्टर से जुड़े हैं उनके स्किल में हम लोग इजाफा करें, लेकिन साथ ही नौजवानों को भी इस सेगमेंट, इस सेक्टर से जोड़ने का हम प्रयास करें। मैं आभार व्यक्त करती हूं कि इतने बड़े और इतने व्यापक रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए मंत्रालय में मुझे सेवा देने का मौका मिल रहा है।